हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैशन। तो आज इस वीडियो में प्लेन कपड़े से डिजाइनर साड़ी बनाना सिखाएंगे। साड़ी बनाने के लिए कितने मीटर फैब्रिक की जरूरत होती है और साड़ी का पल्लू कितने मीटर का रखें, साड़ी में फॉल कैसे लगाएं और कितने मीटर लेस लगाएं। साड़ी बनाने के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, ब्लाउज के लिए मैंने सैनिल वाला फैब्रिक लिया है और ये मैंने लेस ली है ऑर्गेन्जा की साड़ी पर लगाने के लिए। साड़ी के नीचे लगाने के लिए मैंने फॉल लिया है, ब्लाउज के लिए टैसल्स लिए हैं। अब इन सबको साइड करते हैं और साड़ी का फैब्रिक को कट करते हैं, हमें कितना मीटर फैब्रिक चाहिएगा और हम किस तरीके से उसका मेजरमेंट लें। साड़ी को बनाने के लिए मैंने साटन का फैब्रिक लिया है, इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग होती है। प्लेन साड़ी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। आप चाहे तो सिफोन का फैब्रिक भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लुक आता है साड़ी का। ये मेरा टोटल फैब्रिक है 6 मीटर। साड़ी की जो लंबाई होती है वो 5.5 मीटर की होती है। हम देखेंगे 5.5 मीटर को हम किस तरीके से नापें और अपनी साड़ी के लिए फैब्रिक कट करें। तो मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया हुआ है। ये मेरी 5 परतें हैं। इसके बाद हम इंची टेप से इसकी लंबाई नापेंगे। 1 मीटर में 39 इंच होता है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 20 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 5.5 मीटर फैब्रिक हो जाएगा। ये एक इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने फोल्डिंग के लिए, तो इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। साड़ी पर लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है। लेस की लंबाई 9 मीटर है। तो मैंने ऑर्गेन्जा की लेस ली है 1 इंच चौड़ी। तो अब हम इसे साड़ी पर किस तरीके से लगाएं। हमारी साड़ी का जो पल्लू होता है वो 2.5 मीटर का होता है। 0.5 मीटर ही हमारा ऊपर की तरफ रखा हुआ है और 1 परत ही हमारा 1 मीटर हो गया और 1 परत ही हमारा 2 मीटर हो गया। तो टोटल हमारा ये 2.5 मीटर हो गया और इसके साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक हमें अपने पल्लू के लिए लेस लगानी है और हमें नीचे किस तरीके से लेस लगानी है। तो हमें नीचे की तरफ से 0.5 मीटर छोड़कर साड़ी पर लेस लगानी है। 0.5 मीटर हमें इसीलिए छोड़ना है क्योंकि वो हमारा अंदर मोड़ने के लिए आता है साड़ी में, और अगर हम उस पर वहाँ पर भी लेस लगा लें तो वो हमारी चुभेगा, इसलिए हम 0.5 मीटर में लेस नहीं लगाते। मैंने जो ये मार्किंग करी है हमें इसी मार्किंग तक लेस लगानी है। पल्लू से लेस लगाते हुए लाना है और इस मार्किंग पर छोड़ देना है। तो अब हमने साड़ी को मशीन में लगा लिया है इस तरीके से, और जहाँ तक हमारी मार्किंग है वहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लेस को रखेंगे। लेस को आगे से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरीके से सिलना स्टार्ट करेंगे। किनारे से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, उसके ऊपर लेस रखकर सिल लेना है। और इस तरीके से सिलते हुए हम इसके पल्लू पर आ गए हैं। पल्लू पर कोना बनाने के लिए हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और लेस को इसके ऊपर सीधा रखकर सीधी सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको इस तरीके से कोना बनाना है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा ली। इस तरीके से हमने एंड तक सिलाई लगा ली है। लेस को नीचे से फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिल लेना है। हमने जो ये लेस लगाई है एक सिलाई में लगाई है, ये थोड़ी हमारी चौड़ी लेस है तो 2 सिलाई में लगेगी। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, साथ साथ हम फॉल भी अटैच कर लेंगे इस पर। 0.5 मीटर फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर फॉल लगाना है। जहाँ से हमने लेस लगाई है वहीं से हमें फॉल को लगाना है। नीचे किनारे से रखते हुए फॉल को लगाएं। फॉल को एक साइड से हम सिलाई से लगा लेते हैं और दूसरी साइड हम इस पर तुरपाई करते हैं। जो ऊपर की साइड हमारी साइड होती है उस पर हम तुरपाई करते हैं। इस तरीके से हमने फोल्ड लगा लिया है और इसको इधर साइड से हम फोल्ड कर देंगे।
और हमें अपनी सिलाई को कंटिन्यू रखना है ये फैब्रिक दबाने के लिए। अब हमने फोल को मशीन से तो लगा लिया, अब हम इसको हाथ से लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हाथ वाली नीडल लेंगे और छोटे छोटे स्टिचेस लगाएंगे इसको सिलने के लिए। फॉल थोड़ा इजी लग जाए इसलिए हम इसको इस सेफ्टी पिन से इस तरीके से सिक्योर कर देंगे और इसके बाद हम इसमें तुरपाई करेंगे तो बहुत ही इजीली तुरपाई हो जाएगी। और इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं तुरपाई को, झोल भी नहीं आएगा। इस तरीके से पूरे ही फोल पर हमें तुरपाई कर लेनी है। इस तरीके से आरपिन लगाते हुए पूरे फोल को हम अटैच कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा और झोल भी नहीं आएगा। और उसके आगे भी हम फोल को पिन से सिक्योर करेंगे, उसके आगे हम तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो बिना पिन के सिक्योर करी हुई भी तुरपाई कर सकते हैं इस पर। इस तरीके से हमें नीचे बिछा कर रखना है और छोटे छोटे स्टिचेस लगा लें और इस तरीके से हमारा पूरा फोल लग जाएगा। साड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिलाई की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें और इसके ब्लाउज की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर